नमस्कार। हमारा आज का मेडिकल टर्म है न्यूरोजेनिक शॉक। आज इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। ये शॉक का एक टाइप है। न्यूरोजेनिक शॉक इज़ आल्सो नोन एज वैसोजेनिक शॉक। इसको वैसोजेनिक शॉक भी कहा जाता है। न्यूरोजेनिक शॉक इज़ डिवेस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ये क्या होता है? परिणाम होता है किसका? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद में इसकी चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इसको न्यूरो से रिलेटेड न्यूरोजेनिक शॉक कहते हैं। न्यूरोजेनिक शॉक रेफर्स टू द हीमोडायनामिक ट्रायड ऑफ हाइपोटेंशन, ब्रैडीकार्डिया एंड पेरिफेरल वैसोडायलेशन। न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होता है? हीमोडायनेमिक एक ट्रायड बनता है। उसमें ट्रायड में क्या क्या चीज़ शामिल होती हैं? इसमें होती हैं हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया एंड पेरिफेरल वैसोडायलेशन। ये तीन इसके सिम्टम जो होते हैं वो इसके स्पेसिफिक होते हैं। इसके अलावा हाइपोथर्मिया इज ऑल्सो करेक्टरिस्टिक्स। इसमें हाइपोथर्मिया भी जनरली पाया जाता है, या ये कंडीशन हो सकती है कि इसमें टेम्परेचर के वेरिएशंस हो, इसमें हाइपोथर्मिया के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।